नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य पंडित यतीश कुमार अपने YouTube चैनल वाई के प्राकृतिक चिकित्सा में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मात्र 3 दिन में खाज खुजली को जड़ से समाप्त करने के लिए एक बहुत ही सफल देसी जड़ी बूटी का प्रयोग बताया था। इस वीडियो में हम आपको दांतों की हर समस्या के समाधान के लिए एक बहुत ही सफल देसी जड़ी बूटी का प्रयोग आपको बताएंगे। जैसे दांतों में पायरिया लगना, दांतों में गर्म ठंडा पानी लगना, दांतों से खून आना, दांतों की सड़न, मुंह से बदबू आना, दांतों का हिलना, दांतों के सभी रोगों का संपूर्ण समाधान इस जड़ी बूटी में है। तो दोस्तों, यह जड़ी बूटी हम आपको बताएंगे, जिसमें हमारी पहली जड़ी बूटी है ये दसन संस्कार चूर्ण। दोस्तों, यह रेडीमेड एक पाउडर जैसा ये आता है, नाम तो इसका दसन संस्कार चूर्ण है, लेकिन ये मंजन होता है, आप ध्यान रखना। ये दसन संस्कार चूर्ण के नाम से आपको मिलेगा, लेकिन यह चूर्ण मतलब खाने का चूर्ण नहीं, ये मंजन है आपको जो है, ठीक है ना, दांतों के लिए। और दूसरी औषधि है हमारी इरमेदादी तेल। इरमेदादी तेल, ये दोनों जड़ी बूटियों को अनेक प्रकार की आयुर्वेदिक कंपनियां इसे बनाती हैं, तो आप किसी भी कंपनी का इसे ले सकते हैं। जैसे ये दसन संस्कार चूर्ण मेरे जो हाथ में है, यह धन्वंतरी कंपनी का है, आयुर्वेदिक कंपनी का। और ये इरमेदादी तेल जो है, ये बैद्यनाथ का है मेरे हाथ में जो, तो आपको जो भी जहाँ भी उपलब्ध हो आप जो ले सकते हैं। तो आपको ये कैसे प्रयोग करना है, आपको यह दसन संस्कार चूर्ण, ये आपको क्या करना है कि इसमें जो मंजन है उसको थोड़ा सा हाथ पर ले करके, जितना मंजन लेते हैं उसी हिसाब से थोड़ा हाथ पर लेकर के, और उसमें यह इरमेदादी तेल यह आपको उस मंजन में इतना मिलाना है कि वह मंजन गीला हो जाना चाहिए, ठीक है ना, मतलब 4-6 बूंद जो भी वो गीला हो जाना चाहिए। और उसको उंगली की सहायता से, ब्रश की सहायता से नहीं, केवल उंगली की सहायता से आप दांतों के आगे पीछे ऊपर धीरे 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 धीरे, आपको मसूड़ों पर भी धीरे धीरे आपको ये मलना है जो, और धीरे धीरे जब आपको ये मलना है, जो भी मतलब थूक आता है तो उसे थूकते रहिए आपको, और उसके बाद आपको कम से कम 20 मिनट तक आपको कुल्ला नहीं करना है। यानी 20 मिनट तक यह थूक आता है आपको तो थूकते रहिए, लेकिन आपको कुल्ला नहीं करना है। 20 मिनट बाद आपको गुनगुने पानी से कुल्ला करना है, और यह सुबह जैसे सभी मंजन करते हैं सोच जाने के बाद पेस्ट करते हैं, उसी हिसाब से आपको मंजन करना है, और मंजन करने के 20 मिनट बाद आपको गुनगुने पानी से कुल्ला करना है, ठीक है ना। इसी हिसाब से आपको शाम को सोते समय भी आपको एक बार इसी हिसाब से यह आपको मंजन करना है, और उसके 20 मिनट बाद गुनगुने पानी से कुल्ला करना है आपको, यानी सुबह भी करना है और शाम को सोते समय भी करना है। आप यकीन मानिए, इतने भरा प्रयोग से आपके दांतों के जो भी रोग हैं ये जड़ से समाप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे सभी रोग आपके दूर हो जाएंगे। बहुत ही सफल परिचित प्रयोग है, तो इसका आप प्रयोग करें और लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल वाई के प्राकृतिक चिकित्सा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आगामी वीडियो में फिर मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण योग के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।